पता है क्या है फोर्डे की बैटिंग क्या है, जब डिफेंस करना है ना, डिफेंस में ये शॉट जो है ना ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है बॉलर के लिए, उधर ही डेड करो ताकि आपको वो गंदा गेंद दे, अपने डिफेंस पे थोड़ा यकीन करो। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनके साथ अंडर 19 में अंडर 16 में जितना भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ इनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारूँ, क्योंकि यही यहाँ पे कोचिंग का असल मकसद यहाँ पे है। और जितने हमारे पास स्पिनर्स अंडर 19 में अच्छे नज़र आ रहे हैं, अगर इंशाल्लाह इनके ऊपर मेहनत की जाए और इनके ऊपर काम किया जाए तो दे कैन बी अ ग्रेट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। दे आर वेरी गुड स्पिनर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी बेसिक्स के ऊपर काम किया जा रहा है। इसकी बेसिक्स इसलिए कहता हूँ, मैं हमेशा ये फ्रेज यूज़ करता हूँ कि रिपीटेबल एक्शन बहुत होना ज़रूरी है। उसकी वजह पता है क्या है, रिपीटेबल एक्शन होने का मतलब ये है कि आप अच्छे ओवर्स कर सकते हैं, अच्छे बॉल नहीं करने पड़ते फिर आपको। और इंटरनेशनल क्रिकेट हो, किसी किस्म की क्रिकेट खेलनी हो, तो आपको अच्छे ओवर से विकेटें मिलती हैं। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी अलाइनमेंट, इनका जो इनका एक्शन है उनको अभी से सॉलिड हो जाए, ताकि वो आने वाले वक्तों में सिर्फ बैट्समैन को ट्रैप करने का तरीका सीख जाएं, फील्डिंग से खेलना सीख जाएं, पिचेस को रीड करना सीख जाएं। तो आई थिंक दोज फोर स्पिनर्स आर वेरी 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 गुड स्पिनर। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होती है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बींग स्पिनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम शदाब के ऊपर काम कर रहे थे कि शदाब जितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेगा और अच्छा लेग स्पिनर हो जाएगा, क्योंकि एक मिस्ट्री स्पिनर के लिए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए, फिंगर स्पिनर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है। उससे आप अपनी बॉलिंग को खुद एनालाइज करना शुरू कर देते हो, खुद अपने बारे में खुद को पता चल जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज यंगस्टर्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, जो स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल क्रिकेट पे खेलेंगे, अपनी टेक्निक इनकी अच्छी होगी, इनके रिपीटेबल एक्शन हो जाएगा, और फिर आने वाले वक्तों में ये वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में पाकिस्तान को और अपने आप को मना सकेंगे 100%, क्योंकि यहाँ से इन्होंने जाना आगे, यही वर्ल्ड कप की टीम लगती है। तो जो अली असमंद है, एलियान है, फैसल है, अब इवन कासिम और दूसरे जो स्पिनर्स हैं, दे आर डूइंग सो वेल। सिर्फ इनको थोड़ा सा, मैंने पहले भी बताया ना, फील्ड पोजीशन का, विकेट रीड करने का, बैट्समैन रीड करने का तरीका, ये अगर पता चल जाए, जिस स्पिनर को अपनी बॉलिंग का पता चल जाता है ना, आई थिंक उसके लिए बहुत आसान हो जाता है विकेट लेना।